दिल्ली से, जहां पर सचिन पायलट की पार्टी छोड़ने को लेकर केसी वेणुगोपाल का बयान सामने आया। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया इन खबरों को अफवाह, कहा मेरी लगातार सचिन पायलट से बात हो रही है, पार्टी छोड़ने की बात सिर्फ अफवाह है। आई डोंट थिंक सो, दीज आर ऑल रूमर्स। व्हाई डोंट यू आस्किंग द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ अ रूमर्स ब्रदर? In my knowledge, there is no such movement is there in Rajasthan. No, don't worry about things. We will fight unitedly. Rajasthan Congress will be together. Don't worry about this. Don't believe these rumors. जयपुर से खबर है जहां पर बारदाने की कमी के कारण किसानों की उपज खरीद अटकी पड़ी है। किसान बाजार मूल्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य ज्यादा मिलने के बावजूद राजफेड से खरीद नहीं कर पा रहे, क्योंकि बारदाने की कमी के कारण किसान अपनी उपज का बेचान नहीं कर पा रहे। दरअसल राजस्थान में 1 अप्रैल से शुरू हुई उपज खरीद इसी उद्देश्य के साथ शुरू हुई थी कि प्रदेश के अधिकतर किसानों को उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल पाएगा, लेकिन बारदाने की कमी के कारण उपज की खरीद नहीं हो पा रही है। राजफेड द्वारा नेफेड को करीब सरसों की करीब 63 लाख बारदाने तथा 57,49,000 चना के बारदाने की मांग की गई है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा इस संबंध में नेफेड को 2 बार लिखा जा चुका है, केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि नेफेड को बारदाना शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया जाए। नेफेड के द्वारा जो समर्थन मूल्य पे माल खरीदा जा रहा है उसमें बारदाने की बड़ी समस्या आ रही है, बारदाना अवेलेबल हो नहीं रहा है और नेफेड ने रोक लगा रखी है। हमारे पास बारदाना अवेलेबल भी है, लेकिन वो कहेंगे सेकंड यूज बारदाने को आप कमेंट ले सकते हैं, हम हमारा नया भेज रहे हैं, नया वो परचेज खुद करके भेज रहे हैं, वो अभी भेज के रहे हैं, इसे विलंब हो रहा था, ये मीटिंग की है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी पत्र लिखाऊँ और मैं भी पत्र लिखूँ और ये भी बात कर रहे हैं ताकि समर्थन मूल्य पर माल की पूरी सुचारू रूप से खरीद जारी रह सके। और सिरोही से खबर है जहां पर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा सिरोही जिले के दौरे पर रहे, जहां विभिन्न उद्घाटन कार्यक्रम के बाद आबू रोड पहुंचे। आबू रोड के हिलक्रिस्ट होटल में मीडिया से रूबरू होते हुए परसादी लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। वहीं परसादी लाल मीणा ने सचिन पायलट के दौसा में रैली के सवाल पर कहा कि रैली को उनको कोई जानकारी नहीं है और ना ही इसकी अधिकृत घोषणा हुई है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट अलग अलग राह पर चलने के सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सही राह पर हैं और इसलिए सरकार बच पाई। प्रदेश में आज जन कल्याण की योजनाओं से सरकार ने आमजन को राहत पहुंचाई है, सचिन पायलट का क्या निर्णय वो अलग बात है, लेकिन सरकार की योजनाएं कांग्रेस को सत्ता में वापस लेकर आएंगी। गहलोत साहब तो सही रास्ते पर है और गहलोत साहब सही रास्ते पर ही चल रहे, इसलिए सरकार बच गई और सरकार ने 4.5 साल तक जो काम किया ऐतिहासिक काम है। अगर सरकार नहीं बचती तो आज जो कांग्रेस की स्थिति है, सरकार से जनता को जो फायदा पहुंचाया, जनता को जिस तरह की अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं दी वो अपने आप में हिंदुस्तान में एक अलग तरह की योजनाएं हैं। रामेट नगर पालिका में करीब 200 फाइलों के गुम होने का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। बता दें कि इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने होते हुए आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कुछ समय पहले कुंभलगढ़ से भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने फाइलें गुम होने पर कांग्रेस को जमकर घेरा था, तो वहीं इस मुद्दे पर नगर पालिका के चेयरमैन ने विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ पर जमकर निशाना साधा है। 10 मार्च के दिन हमने पुलिस थाना अमेर के अंदर एक परिवाद और मुकदमा दर्ज करवाया है पूर्व भूमि शाखा के बाबू के खिलाफ, जिन्होंने आज उनके चार्ज नहीं दिया है और उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट नगर पालिका में दिए है और बाकी जो लोग फाइलें और कुछ डॉक्यूमेंट नगर पालिका से लेके गए उनकी भी रिसिप्ट हमारे पास मौजूद है। और भरतपुर से खबर है यूआईटी ऑडिटोरियम की छत ढही है, ऑडिटोरियम में चल रहा था डांस और फैशन शो का कार्यक्रम, तेज आंधी और बारिश के चलते यह हादसा हुआ। मंच पर रखी एलईडी समेत कार्यक्रम का सामान टूटकर चकनाचूर हो गया, कई बच्चों को आई है हल्की फुल्की चोटें भी। तेज आंधी और बारिश से शहर में कई अन्य स्थानों पर भी नुकसान की खबर सामने आ रही है।
खबर हनुमानगढ़ के बहलोल नगर गांव की है, जहां एसएसडब्ल्यू में ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने के विरोध में तीन युवक बहलोल नगर गांव में पानी की टंकी पर चढ़ गए। पानी की टंकी पर चढ़े तीनों युवकों का कहना है कि 44 एसएसडब्ल्यू में उनके भूखंड है और ग्राम पंचायत अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर उनको उनके भूखंडों से हटाना चाहती है और इस जगह को गौशाला को देना चाहती है। पानी की टंकी पर चढ़े तीनों युवकों ने पुलिस प्रशासन से उनके भूखंड बचाने की गुहार लगाई। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने समझाइश कर तीनों युवकों को नीचे उतारा। उसके बाद पुलिस ने तीनों को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में सब्जी मंडी भूमि की नीलामी का आदेश प्रशासन के लिए मुसीबत बन गया है। आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर शहर के सभी सब्जी विक्रेता बीते 6 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं द्वारा सब्जी मंडी भूमि की नीलामी को रोकने के लिए कल नगरपालिका प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया था, तो वहीं आज शहर के सभी सब्जी विक्रेताओं द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। हालांकि हड़ताल के चलते पिछले 6 दिनों से सब्जी मंडी भी बंद पड़ी है। हमने कोई मुद्दा हाथ में नहीं लिया जी। हम जनभावना और जो सब्जी विक्रेता है जी, उनकी जो मांग है उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने इनको समर्थन दिया है जी। और आज सब्जी विक्रेता संघ ने जो हनुमान चालीसा का पाठ रखा है जी, उसमें हम सब शामिल हुए हैं और ये जो भी कार्यक्रम रखेंगे उसमें हम पूरी तरह से शामिल होंगे और इनको हमारा पूरा समर्थन रहेगा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ नगरपालिका की करीब 8वां बाद बुलाई बैठक में जमकर हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल नगरपालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा के कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद आज पहली बार बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन चेयरमैन ओम कालवा ने पालिका कर्मचारी की मौत होने के चलते बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर बैठक को स्थगित करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद कांग्रेस के पार्षद भड़क उठे। नेता प्रतिपक्ष परसराम भाटिया समेत कई पार्षद मेज पर चढ़कर हंगामा करने लगे। बाद में गुस्साए पार्षद चेयरमैन के कक्ष में जाकर चेयरमैन कालवा और विधायक रामप्रताप कासनिया से उलझ गए। जब चेयरमैन द्वारा कल बोर्ड की बैठक दोबारा बुलाने की बात कहने पर मामला शांत हुआ। इस पूरे प्रकरण पर चेयरमैन कालवा ने कांग्रेस पर बेवजह हंगामा करने का आरोप जड़ा, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष परसराम भाटिया ने चेयरमैन कालवा पर जानबूझकर मीटिंग नहीं बुलाने का आरोप लगाया। धौलपुर के सरमथुरा में कन्हैया दंगल का हुआ आयोजन। राजकीय स्कूल परिसर चौक में आमजन के सहयोग से एक दिवसीय कन्हैया दंगल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में धार्मिक और पौराणिक कथाओं की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पुरानी परंपरा को जीवंत रखने के लिए गांव-गांव में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। गांव कांकरेट में भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कन्हैया दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों के साथ साथ दूर दराज के गांवों से भी श्रोता उमड़ पड़े और कन्हैया दंगल का भीषण गर्मी में खूब आनंद के साथ लुफ्त उठाया। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में एक नायाब भेड़ का बच्चा इन दिनों चर्चाओं में है और इस मिंडे की चर्चाएं गांव ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी है, जिसके चलते यहां मिंडा ग्रामीणों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मिंडे की अब तक 1 करोड़ रुपए की बोली लग चुकी है। चरवाहा राजू सिंह बताते हैं कि मिंडे के पेट पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, जिससे वो भी नहीं समझ पाए हैं, जिसके बाद उन्होंने गांव के कुछ मुस्लिम समाज के बड़े बुजुर्गों को दिखाया तो उन्होंने मिंडे को अहम बताया। झालावाड़ जिले के मनोर थाना विधानसभा क्षेत्र के ठीकरिया गांव में बीते 7 जून को आयोजित महंगाई राहत शिविर के दौरान एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। जी हां, एमआरसी कैंप प्रभारी को एक युवक ने प्रार्थना पत्र सौंपकर शादी के लिए दुल्हन की मांग कर डाली है। प्रार्थना पत्र पढ़कर जहां शिविर प्रभारी भौचक्कर रह गए, उस वक्त शिविर में पूर्व विधायक कैलाश मीणा के पुत्र डॉक्टर गिरिराज मीणा भी मौजूद थे। उन्होंने युवक की परेशानी देखकर उसके लिए दुल्हन ढूंढने के लिए लोगों से अपील तक कर डाली। बहरहाल शिविर का वीडियो और युवक का दुल्हन के डिमांड वाला प्रार्थना पत्र सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। लाड़ी को
छह जून को हिंडौली के पपराला गांव में 13 साल के मासूम की हत्या करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर हिंडौली पुलिस को सौंप दिया है। आरोपी रमेश मीणा ने गुल्लक से पैसे निकलने की बात को लेकर मासूम विकास के साथ मारपीट की थी, जिससे बालक विकास की मौत हो गई थी। अलवर एसीबी कोर्ट ने रिश्वत के मामले में एक पटवारी को 3 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक भारद्वाज ने बताया कि मुंडावर के रहने वाले परिवादी मोतीलाल ने जमीन के इंतकाल को चढ़ाने की मांग को लेकर हल्का पटवारी लाल सिंह ने 6,000 की रिश्वत मांगी थी, जिस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया। सत्यापन होने के बाद एसीबी ने आरोपी पटवारी लाल सिंह को 1,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अठारह ग्यारह 2011 को एसीबी द्वारा मांग सत्यापन कराया गया, तो पटवारी ने 6,000 रुपये की रिश्वत की मांग की और 500 रुपये परिवादी से मांग सत्यापन के दौरान प्राप्त कर लिए। उसके पश्चात 19 ग्यारह 2011 को एसीबी द्वारा ट्रेप का आयोजन कर और आरोपी पटवारी को 1,500 रुपये की रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। अजमेर पुलिस को 2 कांस्टेबल पर फायरिंग कर हत्या के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस ने आज 17वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ साथ एक 25,000 राशि के फरार इनामी बदमाश को भी गिरफ्तार किया है, जिसे भीलवाड़ा पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। इससे पहले पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे तस्करों के खिलाफ कर रही कार्रवाई, जिसमें भीलवाड़ा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की और 16 लोगों को गिरफ्तार किया था। 21/4/2021 का जो मुकदमा था भीलवाड़ा के कोटड़ी के अंदर, जिसमें पुलिस कर्मियों पर फायरिंग करके उनके हत्या के आरोपी जो सुरेश बिश्नोई है, उसको आज मांगलीवास SHO और सुरजीत ठोलिया और उनकी टीम ने अरेस्ट किया है। सुरेश बिश्नोई का जो हत्या के आरोपी जो बदमाश है, उनको शरण देना और उनको फरार करने में इसका योगदान था। प्रतापगढ़ की रठांजना थाना पुलिस ने 25 लाख रुपए की अफीम का सौदा करने के लिए जा रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से सैंपल की 50 ग्राम अफीम और तस्करी के काम में ली जा रही ऑल्टो कार भी बरामद की है। साथ ही पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अलवर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा और 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन दीन खान ने बताया कि मुंडावर थाने का यह पूरा मामला है, जिसमें पीड़िता के परिजनों ने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी से शौच जाने के दौरान 4 युवकों ने कार में अगवा कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। और भीलवाड़ा के मांडल से बड़ी खबर है, पुरानी रंजिश के चलते युवक की पिटाई हुई है। बीच बाजार मारपीट का वीडियो वायरल किया गया है। लोहारिया गांव के जगदीश ढोली से मारपीट हुई है। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने संज्ञान लिया। 3 आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। डूंगरपुर जिले के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा छात्राओं का यौन शोषण करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की रजिस्ट्रार अनु चौधरी आज डूंगरपुर पहुंची। हेडमास्टर की दरिंदगी की शिकायत नाबालिग बेटियों उनके परिजनों से बात की। स्कूल स्टाफ डॉक्टर से लेकर कलेक्टर और SP से घटनाक्रम का फीडबैक लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। दौसा के बांदीकुई में आज हुआ एक सैनिक का अंतिम संस्कार। सेना के जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। देवनारायण 5 राजपूत के बटालियन में सिपाही के पद पर तैनात थे। बताया जा रहा है कि घर लौटते समय सड़क हादसे में ये जवान का निधन हुआ। अज्ञात वाहन ने जवान को टक्कर मारी। सभी ने किया देवनारायण गुर्जर की सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि और देवनारायण गुर्जर अमर रहे के लगे इस दौरान नारे।